अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं साग बनाऊँगी। इसमें इसको मैंने उबाल के रख लिया है, नमक डाल के। सरसों है इसमें, मेथी है, सरसों मेथी पालक है एक गड्डी। ये सर्दी की स्पेशल सब्जी है, सर्दी में आप लोग बना के इसको ज़रूर खाना। इसको खाने से खून भी बनता है, बहुत ताकतवर सब्जी होती है ये। मैंने लहसुन काट लिया है छोटे छोटे टुकड़े, ये लाल मिर्च काट लिया है, इसको भी बघारेंगे। इसका पानी मैंने रख लिया छान के, इसको बाद में डालेंगे। इसको मैंने काट के धो के उबाल लिया है नमक डाल के। चलते हैं गैस इसको बनाने। गैस को जला लेती हूँ मैं। कढ़ाई मैंने रख दिया चूल्हे पे, कढ़ाई हमारी सूखी है। मैं तेल डाल देती हूँ इसमें, सरसों का। तेल हमारा गरम हो जाए फिर लहसुन डालेंगे इसमें, और मसाले नहीं डालूंगी मैं, कोई हल्दी वल्दी नहीं डालना है। इसे सिंपल बनाऊंगी, सादा बिल्कुल साग। देखिए गाइस तेल हमारा गरम हो गया, मैं लहसुन डाल देती हूँ इसमें। लहसुन हमारा हो जाए हल्का गोल्डन, फिर मिर्ची डालूंगी। खाली लहसुन मिर्ची डाल के मैं बना रही हूँ ये साग। देखिए गाइस लहसुन हमारा हो गए गोल्डन, अब मैं मिर्ची डाल देती हूँ इसी में, मैंने काट के रखा था। मिर्ची हमारी हो जाए हल्की, फिर मैं साग डालूंगी इसमें। आप लोग ज़रूर बना के खाना, ये ताकतवर सब्जी होती है बहुत। अब सर्दी शुरू हो गई है, साग खाना बहुत ज़रूरी है। मैं डाल देती हूँ इसी में, मिर्ची भी हमारी हो गई। थोड़ा मैंने ढक दिया है, तेल हमारा छिटक रहा था, मैं इसको चला देती हूँ। इसका पानी जो रखा है अभी डाल दूँगी बाद में, इसी में सारा जल जाएगा, फेंकूँगी नहीं। पानी बहुत ताकतवर है, साग का पानी है। बहुत लोग हल्दी डाल देते हैं, टमाटर डाल देते हैं, मैं कुछ नहीं डालूँगी, खाली लहसुन मिर्ची से बनाऊँगी। देखिए गाइस मैं पानी भी डाल देती हूँ इसमें, साग हमारा पक रहा है। इसी में सारा पानी मैं जला दूँगी। मैं आपको दिखा नहीं पाई थी काटते हुए धोते हुए, पहले काट धो लिया क्योंकि वीडियो मेरा बेटा शूट करता है, वो था नहीं घर पे, इसीलिए मैंने काट धो लिया था। अब दिखा रही हूँ, ये पानी में सारा इसी में जला देती हूँ। गैस को हाई कर दूँगी, बस जल जाएगा सारा पानी। मैंने ढक दिया ताकि जल्दी पानी इसका ये तो हमका चला बना। देखिए गैस मैं चेक कर रही हूँ साग को, पानी सारा जल गया है, नीचे से हल्का हल्का चिपकना शुरू हो गया है, जला नहीं है, सारा पानी जल गया जो मैंने डाला था। इसको सिंपल मैंने बनाया है, आप लोग चाहो तो मक्की का आटा डाल के इसमें थोड़ा सा घोट के बना सकते हैं। कुकर में गला लो, फिर उसी में आटा थोड़ा थोड़ा डाल के मक्के का घोट के बनाओ तो भी अच्छा बनता है। आज मैं ऐसे बना रही हूँ, इसी करछे से मैंने इसको ऐसे कर दूँगी ना, बस ये सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल गल गया है, खुशबू आ रही बहुत अच्छी। आप लोग ज़रूर बना के खाइए, हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप लोग बना के हमारे तरीके से ज़रूर खाना, बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए गाइस हमारा साग बन के तैयार हो गया बिल्कुल, पानी सारा जल गया है। मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ, इसको रोटी के साथ चावल के साथ आप लोग खाना बना